हेलो एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को अपनी जो स्लाइड्स हैं पावर पॉइंट की, उनको आप लोगों के वन ड्राइव अकाउंट के साथ लिंक करने का तरीका जो है वो बताऊंगा। तो आप लोगों के सामने हमारा पावर पॉइंट पे बनी हुई स्लाइड्स ओपन है, स्लाइड 2 और स्लाइड 1। अब इसके बाद जो हम लोगों ने करना है वो है कि हम लोग यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल पे क्लिक किया तो कुछ एक ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने जाना है यहाँ पर बॉटम पे अकाउंट का ऑप्शन है, अकाउंट पे क्लिक किया तो आप लोगों के सामने यूजर इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ आ रहा है सबसे पहले। लेकिन अगर आप लोगों का अकाउंट लिंक नहीं है, यानी कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट रजिस्टर्ड नहीं है, सो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम देना होगा, फिर वो आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड देने के बाद आप लोग फ्री होंगे अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करने के लिए, जिसका फर्दर पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर आ रहा है कनेक्टेड सर्विसेज वन ड्राइव। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक इसको एड ए सर्विस करना चाहूँ तो हम अपनी मर्जी से सर्विस भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल ये तो था, आप लोग इसको क्लिक करेंगे वन ड्राइव पर्सनल पे, तो इसके थ्रू आप लोगों की जो वन ड्राइव पे जितनी भी स्लाइड्स या जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं आप उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स को उसके ऊपर इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू वेरी मच।